न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव, एक परिवार में तीन टिकट पर बीजेपी में घमासान। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, 2 अक्टूबर को हो सकते हैं नारायण राणे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस को नहीं मिली न्याय यात्रा की इजाजत, धारा 144 लागू। विस्तार से, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने हरियाणा में एक परिवार के 3 लोगों को टिकट देने का विरोध किया है। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि उनके पुत्र विजेंद्र सिंह लोकसभा के सदस्य हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने चौधरी विजेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को फिर टिकट देने का विरोध किया है। मंत्रियों ने सवाल उठाया है कि विजेंद्र सिंह के लिए इस मानदंड को क्यों तोड़ा जा रहा है, जबकि इससे गलत संदेश जाएगा। जबकि दूसरे केंद्रीय मंत्री का इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल लोकसभा चुनाव में सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद पहली बार तमिलनाडु के दौरे पर चेन्नई पहुंचे। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार देश को महानता के उस रास्ते पर ले जाएंगी जहां पूरी दुनिया को होगा फायदा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, आखिरकार पूर्व सीएम नारायण राणे का निकला बीजेपी में एंट्री का मुहूर्त। 2 अक्टूबर को हो सकते हैं शामिल। राणे के साथ कनकौली से कांग्रेस के विधायक नितेश राणे व पूर्व सांसद नीलेश राणे भी भाजपा में शामिल होंगे। नीतीश राणे को भाजपा की ओर से कनकौली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 144 लगाई गई है। कांग्रेस को न्याय यात्रा की इजाजत नहीं। चिन्मयानंद पर रेप केस का आरोप लगाने वाली लड़की की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच न्याय यात्रा के नाम से 180 किलोमीटर पद यात्रा निकाली। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।